हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स, मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने बताया था कि आप कीबोर्ड के जो टोन्स हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल। तो वो वीडियो मैंने डाला था, तो उस वीडियो पे आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, ये वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे। और उस पर मैंने कहा था कि मैं जल्दी एक वीडियो इस टॉपिक पर लेके आऊँगा। तो मैं आज एक नई वीडियो लाया हूँ। और हाँ दोस्तों, मैंने आज कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे केबल का यूज़ किया है, वो भी एक लोकल केबल है, जो सैमसंग के जो केबल आती है वही है वो। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और नॉलेजेबल होगी तो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको वही स्टेप यूज़ करनी है कि आपकी जो यूएसबी चार्जिंग केबल है वो अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करनी है ऐसे। उसके बाद जो आपकी यूएसबी ओटीजी केबल है वो आपको चार्जिंग केबल को कनेक्ट करनी है। उसके बाद जो आपकी ओटीजी केबल है वो आपको मोबाइल में कनेक्ट करनी है। तो कनेक्ट करने के बाद कुछ कीबोर्ड की सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में इतना बताया नहीं था सेटिंग्स, तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, केबल कनेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड में कुछ सेटिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कीबोर्ड ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो फंक्शन का बटन है उस पर क्लिक करना है। और अभी मैं जो एक एक फंक्शन बताने वाला हूँ वो प्लीज़ केयरफुली देखिए, उसको फॉलो कीजिए। ये जो मीडिया आउट वेलोसिटी होगी या आपकी जो भी होगी उसको आपको 127 करने का है। उसके बाद पावर ऑन वॉल्यूम है, उसको आपको 5 करने का है। उसके बाद जो आपका पावर ऑन माई सेटअप है वो आपको ऑफ करना है। उसके बाद जो लोकल कंट्रोल जो सेटिंग होगी, ये मेन सेटिंग है, इसको आपको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपको अभी मैं जो मोबाइल पे जो कॉन्फ़िगरेशन करने का है वो मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कीबोर्ड के फंक्शन की सेटिंग की है, वैसे ही हमें मोबाइल की भी सेटिंग करनी होगी। तो सेटिंग करने के लिए हमको अपने मोबाइल में मिडी कमांड ऐप ओपन करना है। तो अगर आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने उधर भी लिंक दे रखा है। हाँ, तो अगर हमें एक टोन से दूसरा टोन चाहिए तो आपको जो ऐप में पेंसिल आइकॉन दिया है उस पर क्लिक करना है ऐसे। मतलब समझो मेरे को ये 8 नंबर पे एक टोन चाहिए, मैं पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको 8 नंबर पे क्लिक करके होल्ड कर रखना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से लास्ट जो दिया है रिकॉर्ड मिनी मैसेजेस, उस पर क्लिक करना है। और अभी आप देख सकते हैं इस पर मेरा टोन कौन सा है, फर्स्ट वाला है, स्टीरियो ग्रैंड पियानो। तो अगर हमें वाइब्राफोन चाहिए, वाइब्राफोन 1 चाहिए, तो आपको वाइब्राफोन 1 के पहले के टोन आपको सिलेक्ट करनी है, लोड करनी है और स्क्रीन पे। उसके बाद आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है। और जो टोन चाहिए, मतलब हमको वाइब्राफोन 1 चाहिए था तो हमने उसके पहले वाला जो टोन है वो लोड करके रखा है। अभी आपको जो चाहिए, मतलब समझो हमको वाइब्राफोन 1 चाहिए तो हमने वाइब्राफोन 1 पे मूव किया तो स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अभी देख सकते हैं मेरे नंबर 8 पे मैंने वाइब्राफोन 1 सेट कर लिया।
और एक दिखाता हूँ, अगर हमको नंबर 9 पे हारमोनियम 2 चाहिए, हारमोनियम 2 चाहिए तो हमको हारमोनियम 1 लोड करना है अपने स्क्रीन पे, उसके बाद फिर से पेंसिल आइकॉन क्लिक करना है, रिकॉर्ड मीटिंग में मैसेजेस, उसके बाद हमको हारमोनियम 2 चाहिए था तो हमने हारमोनियम सिलेक्ट किया, हारमोनियम 1 सिलेक्ट किया, उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग, उसके बाद हमको जो हारमोनियम 2 चाहिए था तो हमने हारमोनियम 1 सिलेक्ट किया था, तो हमने हारमोनियम 2 पे मूव किया बटन और स्टॉप रिकॉर्डिंग किया, हमने क्लिक किया 9 नंबर के बटन पे, तो आप देख सकते हैं कि टोन कैसे चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही आप टोन चेंज कर सकते हैं, एक से दूसरा टोन आपको जो भी चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं और इस सेटअप में लोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगी और यूज़फुल होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, और 3 सेटिंग्स है जो आपको करनी होगी कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए। तो इधर जो 3 डॉट्स दिख रहा है उधर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको ग्लोबल सेटिंग्स जो दिया है उस पर क्लिक करना है, और इधर मिडी इन मोड उस वो ऑफ रहेगा तो आपको थ्रू पे करना है। तो फ्रेंड्स, आपकी दूसरी सेटिंग है ये जो डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है, आपको सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शन दिखेगा तो उस पर क्लिक करना है, और ये जो USB डेबगिंग है उस पर आपको वो ऑफ रहेगा तो आपको ऑन करना है, और तीसरी और लास्ट सेटिंग है ये डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपका एक ऑप्शन रहेगा तो उस पर आपको क्लिक करके MIDI पे सेट करना है।